एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है क्रेडिट कार्ड सेलिंग जॉब्स के ऊपर। जी हां, क्रेडिट कार्ड सेलिंग जो आप अच्छे से जानते हैं कि हर एक प्राइवेट बैंक में आजकल एक हॉट प्रोडक्ट बन गया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सेल किया जाता है प्राइवेट बैंक्स के द्वारा क्रेडिट कार्ड को हर अपने कस्टमर को, और इसमें निकलती है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से बैंक करेंटली क्रेडिट कार्ड की जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, क्या सैलरी पैकेज देते हैं, क्या प्रोफाइल रहता है, टारगेट इंसेंटिव रिवार्ड्स प्रमोशन और इस जॉब के मेरिट्स और डीमेरिट्स की भी बात करेंगे। तो बड़ा ही काम का वीडियो रहने वाला है आपके लिए अगर आप फ्रेशर ग्रेजुएट हो और अपने ही शहर में जॉब देख रहे हैं। तो चलिए इस जॉब को डिटेल में समझते हैं और वीडियो को यहां से शुरू करते हैं। तो देखिए, वैकेंसीज और जॉब प्रोफाइल को समझने से पहले हम समझ लेते हैं क्रेडिट कार्ड होते क्या है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड एक एटीएम और डेबिट कार्ड जैसा दिखने वाला ही कार्ड है जो किसी भी बैंक द्वारा उसके कंज्यूमर को ऑफर किया जाता है। इसके थ्रू कोई भी कंज्यूमर अपने किसी भी तरह के ऑनलाइन या ऑफलाइन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर सकता है। जनरली इस कार्ड का यूज लोग पेट्रोल भरवाने, रेस्टोरेंट में खाना खाने, ऑनलाइन सामान खरीदने, अपने बिल्स का पेमेंट करने और कभी कभी कैश निकालने के लिए भी कर लेते हैं। इस कार्ड की खास बात यह होती है कि यह आपको मिनिमम 30-45 डेज का क्रेडिट दिलवाता है, यानी कि आपको पैसा खर्च करने के 30-45 दिन के बाद पेमेंट देना होता है। अब इसकी एक और खास बात यह है कि जब भी आप इस कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है और कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस टाइप पर कैश बैक भी मिलता है। तो ये तो होगी कंज्यूमर के बेनिफिट की बात। अब बैंक को इस प्रोडक्ट को चलाने से क्या बेनिफिट है? तो देखिए, क्रेडिट कार्ड बेसिकली बैंक्स इस तरह की सर्विस इसलिए देते हैं क्योंकि इसके थ्रू वो अपने मैक्सिमम कंज्यूमर नंबर्स को बढ़ा पाते हैं और इन कंज्यूमर्स को बाद में लोन ऑफर्स किए जाते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, पर्सनल लोन और काफ़ी सारे दूसरे लोन को ऑफर किया जाता है। इसके अलावा जब भी आप कोई शॉपिंग करते हैं तो जो भी एक्सपेंसेस होता है उसमें से कुछ परसेंटेज बैंक को भी जाता है उस शॉपिंग वेबसाइट की तरफ से। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पाते तब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो काफी हैवी अमाउंट का होता है, तो उससे भी बैंक पैसा कमाते हैं। तो अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की बेसिकली जॉब्स किस तरह की होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको ये जॉब दो तरीके से मिल जाएंगी। पहला है थर्ड पार्टी के थ्रू, यानी कि जब आप बैंक के पेरोल पर नहीं होते हो, और दूसरा है जब आप बैंक के पेरोल पर होते हो। तो पहली बात तो बैंक के पेरोल पे होना ज्यादा बेटर है और ये मोस्टली आपको इस तरह की जॉब प्राइवेट बैंक्स यानी कि एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, मतलब सभी प्राइवेट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये जॉब्स आपको देखने को मिलेगी। सरकारी बैंक इस तरह की जॉब ऑफर कम करते हैं, वह ये काम आउटसोर्स कर देते हैं किसी दूसरी कंपनी को। तो चलिए अब बात करते हैं सैलरी पैकेज की कि कितना पैसा मिलता है। तो देखिए, अगर आप किसी प्राइवेट बैंक के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट बैंक के पेरोल पर है तो वहाँ पर एक अच्छा पैसा मिलता है, यानी कि लगभग आपकी सैलरी 14,000-15,000 रुपये तक फिक्स होती है। अब ये फिक्स सैलरी के बाद आपका आता है इंसेंटिव, जो कि आपका टारगेट पूरा करने पर आपको मिलता है, और इसमें लगभग आपकी सैलरी 25,000-30,000 रुपये तक हो जाती है। हालांकि सैलरी में यहाँ पर कोई लिमिट या बार नहीं है, आप जितना ज़्यादा कार्ड बेच लेंगे उतना ज़्यादा आपका इंसेंटिव और सैलरी बढ़ जाएगा। हालांकि जब ये नौकरी आप थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं तो बीच में कमीशन का कट होने की वजह से आपको सैलरी थोड़ा कम मिलता है। तो थर्ड पार्टी के थ्रू जो लोग एसबीआई के कार्ड्स बेचते हैं उनकी सैलरी लगभग 8,000-10,000 रुपये प्लस इंसेंटिव लगभग अराउंड 18,000-20,000 रुपये तक पड़ जाता है। बात करते हैं टारगेट्स की। तो देखिए, अगर आप बैंक के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं या इनडायरेक्ट भी काम कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको टारगेट्स मिलते हैं। तो पहले 3 महीने तो आपको टारगेट के लिए कोई भी फोर्स नहीं करता है क्योंकि उस पीरियड में आपका लर्निंग पीरियड होता है। लेकिन लर्निंग पीरियड खत्म होने के बाद लगभग 3-4 महीने में आपको टारगेट्स के प्रेशर दिए जाते हैं, और अगर आपका टारगेट पूरा ना हो तो डेफिनेटली आपको बैंक से नोटिस भी पड़ेगा, यानी वार्निंग लेटर। भले ऐसी स्थिति ना है इसलिए मैं आपको हाउ टू सेल क्रेडिट कार्ड भी इसी वीडियो में बताऊंगा, आपको कैसे अपने क्रेडिट कार्ड को बेचना है। तो अब बात करते हैं कि ये जॉब कैसे मिलेगी, और इसके बाद बात करेंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड कैसे सेल करना है। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल तरीका है। अगर आप डायरेक्ट किसी प्राइवेट बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं तो हर बैंक में क्रेडिट कार्ड की अपॉर्चुनिटीज एवनी टाइम रहती है। आपको सिर्फ करना ये है कि अपना एक अच्छा सा रिज्यूम प्रिपेयर करना है जिसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन करना है बैंकिंग सेक्टर के बारे में, यानी कि बैंक में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ले करके अपने रिज्यूम को तैयार करके हर प्राइवेट बैंक में जाकर के ड्रॉप कर सकते हैं। हर प्राइवेट बैंक में उनकी सर्विसेज का क्रेडिट कार्ड का एक डिपार्टमेंट होता है जहां आपका रिज्यूम पहुंच जाने के बाद आप
आपका अगर रिज्यूम सूटेबल हुआ तो आपको कॉल भी आ जाएगी विद इन अ वीक। इसके अलावा काफ़ी सारी जॉब्स को आप naukri.com, monster.com और अपने लोकल क्विकर और olx.com पर भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेल्स टेक्निक के बारे में कि आप कैसे कार्ड को सेल कर सकते हैं। देखो, पहला काम तो ये, जब तुम क्रेडिट कार्ड को सेल करने जाओगे ना, तो तुम्हें उस क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत को उस आदमी को बताना पड़ेगा कि क्यों ये क्रेडिट कार्ड उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा काम, कभी भी आपको किसी कस्टमर को फोर्स नहीं करना है और ना ही उसके आगे गिड़गिड़ाना है। आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना है और आपको ये ध्यान रखना है कि 200 लोग भले ही किसी पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं, लेकिन उन सभी लोगों को आपको अप्रोच नहीं करना है। आपको अपना कस्टमर टारगेट या टारगेट ऑडियंस आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए, एक आदमी है जो 150 रुपये का पेट्रोल पड़वाता है और एक आदमी है जो 50 रुपये का पेट्रोल पड़वाता है, और वहीं पेट्रोल पंप पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो 500-1000 का पेट्रोल पड़ा रहे होंगे। तो बेसिकली आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि कौन सा आपका टारगेट ऑडियंस है। ऑब्वियसली जो लोग ज्यादा पेट्रोल पड़वा रहे हैं वो लोग कैपेबल होंगे, एक अच्छी सैलरी रखते होंगे, तो आपको उन्हीं लोगों को अप्रोच करना है। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप उन्हीं पेट्रोल पंप पे खड़े हुए जो पेट्रोल पंप के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनको लालच दे सकते हैं कि आप उनके साथ अपना कार्ड का कमीशन शेयर कर लेंगे, तो आपके बिहाफ पर आने वाले कस्टमर्स को वो फैसिलिटी बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड में क्या क्या फैसिलिटी है। साथ ही वो आपको कस्टमर आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जब आप किसी शॉपिंग मॉल में होते हो तो वहाँ के कैशियर से मदद ले सकते हो। अगर आप किसी रिटेल आउटलेट में हो तो वहाँ पर जो लड़के लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोग आपके बिहाफ पर उस समय स्कीम को समझा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर, लेकिन आपको अपना कमीशन उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ऐसे आप कमीशन शेयर करने के बेस पर भी काफ़ी सारे कस्टमर गेन कर सकते हो। इसके अलावा खुद आप कस्टमर से ही कस्टमर गेन कर सकते हो। अगर आपने किसी पर्सन का क्रेडिट कार्ड बनवाया तो आप उसी पर्सन को ये झांसा दे सकते हो कि मैं आपको 200 रुपये आपके दूसरे क्रेडिट कार्ड पे दे दूंगा। अगर आप अपने किसी दोस्त का रेफरेंस देते हैं तो मैं आपको 250 रुपये दिलवा सकता हूं। तो आप किसी एक दो का नाम सर मुझे प्लीज़ बताइए। तो अगर ऐसे आप अपना कमीशन शेयर करके भी काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड गेन कर सकते हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रमोशन की बात करते हैं। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड का जो प्रमोशन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर 5 से 6 साल आप क्रेडिट कार्ड बेचते हैं तो ये डेफिनेटली है कि आप अपने फील्ड में प्रमोट हो जाएंगे और आप एरिया सेल्स मैनेजर हो जाएंगे, जहां आपके अंडर में 10 से 15 लड़के होंगे जो कि दूसरी दूसरी ब्रांचेस पर फैले होंगे, और आपको उनको कंट्रोल करके उनसे बिजनेस निकलवाने का काम करना होगा। इसके अलावा अगर आप अच्छा काम करते हैं तो हो सकता है कि इंटरनल बैंक में प्रमोशन हो जाए और आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, यानी कि क्रेडिट के ही या किसी सेल्स के ही डिपार्टमेंट में स्विच कर जाएँ। जब बात करते हैं कि क्या ये आपको जॉब ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, क्या ये एक अच्छा फ्रूटफुल जॉब है कि नहीं, तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इसके मेरिट्स की बात करूँगा। तो ये एक इंडिपेंडेंट जॉब टाइप है, यानी कि अगर आप सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँचते हैं और 1 घंटे के अंदर ही आपका टारगेट पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कहाँ हैं। लोग सिर्फ ये पूछेंगे, आपका बॉस सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि आपका टारगेट अचीव हुआ कि नहीं। दूसरा, क्योंकि ये आपके सिटी में ही जॉब मिल जाती है, तो आप अपनी ही सिटी में रह करके काफ़ी अच्छा इंसेंटिव और सैलरी कमा सकते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब है, पूरे दिन आपको सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलना है जो आपसे या आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। साथ ही ये एक रिस्क फ्री जॉब भी है, क्योंकि आपको इसमें कोई कस्टमर ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करना है, किसी को लोन नहीं देना है, किसी को कोई कैश का काम नहीं है डेफिनेटली। तो ये एक रिस्क फ्री जॉब भी है। क्रेडिट कार्ड बिकता है तो ठीक, नहीं बिकता है तो अगले दिन बिकेगा। इसके अलावा डीमेरिट्स की अगर बात करूं तो हाँ, थोड़ा स्लो प्रमोशन है, बिकॉज आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है प्रमोशन पाने में। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग टारगेट ही बना रहेगा, मतलब एक सेल्स की जॉब अगर आपकी स्टार्ट होती है तो वो आगे भी सेल्स ही रहेगी, चाहे आप खुद करें या अपने जूनियर से करवाएं। इसके ओवरऑल ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट कार्ड की जॉब काफ़ी सूटेबल और बढ़िया जॉब है उन लोगों के लिए जो कि कोई पर्टिकुलर स्किल्स नहीं रखते। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।